दोस्तों आपने हेडिंग पढ़ी ही होगी कि शॉर्ट डिलीवरी होने पर क्या क्या हो सकती है। आज यही घटना मेरे साथ घटी है, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं ताकि आपके साथ ये दोबारा ना हो सके। दोस्तों मैंने डीवी कॉरपोरेशन में 1350 क्वांटिटी शॉर्ट किया, मुझे 2227 के आसपास प्रॉफिट हो रही थी। उसके बाद हुआ क्या, मुझे एकाएक ये इसकी रेट बढ़ने लगी और मुझे लगभग इसमें 5000 के आसपास लॉस होने लगा। 3:10 तक मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया, मतलब जो भी लॉस हो रहा था वो सब लेकर मैंने बुक नहीं किया। उसके बाद 3:10 पर, 3:10 पर इसमें लग जाता है अपर सर्किट, ये देखिए, और ये जीरोधा ने भी इसको एग्जीक्यूट ऑर्डर पर लगाया था लेकिन हुआ नहीं। मैंने भी कोशिश करता रहा पूरा 3:30 तक लेकिन हुआ नहीं। उसके बाद अगले दिन इन्होंने क्या किया कि ये देखिए, ये जब तो ये हो गया आप शॉर्ट डिलीवरी में ये रूल है, मुझे इसके बारे में पूरा डिटेल पता नहीं था लेकिन जो घटना हुआ है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप इसके बारे में जान जाए और ये गलती ना करें जो मैंने किया था। मैंने पहले उसको एग्जीक्यूट नहीं किया, बाय नहीं किया, तो ये चला गया शॉर्ट डिलीवरी में। और शॉर्ट डिलीवरी में इनका कहना है, मैंने बात भी किया जीरोधा के क्लाइंट से, सॉरी इनके हेल्पलाइन नंबर पर, तो इन्होंने बोला कि आपके पास था ही नहीं जो शेयर, उसको आपने बेच दिया। तो फिर जो जिन्होंने बाई किया है उनको ये शेयर लौटाना पड़ेगा, तो आपके पास है नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि मेरे जो 1350 क्वांटिटी शॉर्ट किया था उसको अब भेज दिया ऑक्शन पर। आप देख सकते हैं इसमें इन्होंने 2,18,457 रुपये ब्लॉक कर दिए कि ये ऑक्शन में जाएगा। मतलब ऑक्शन का रूल क्या होता है कि 20% मीन्स जब भी, जैसे 3 दिन बाद ये लोग ऑक्शन करते हैं, 3 दिन के पहले यानी दूसरे दिन जो भी प्राइस रहेगा उसका मैक्सिमम 20% ये लोग लेकर चलते हैं ऑक्शन में। तो इन्होंने ये लिखा हुआ है, जैसे शॉर्ट डिलीवरी मार्जिन ब्लॉक फॉर सेल्स ऑफ डीबी कॉरपोरेशन टिल एक्सचेंज ऑक्शन सेटलमेंट। इन्होंने 13 तारीख को इसको डाल दिया, मैंने 13 को लिया था, 2,18,457 रुपये इन्होंने ब्लॉक कर दिया। अब हुआ क्या कि इन्होंने, मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको इंट्राडे अगर शॉर्ट करते हैं तो जितनी भी प्रॉफिट हो रही है आप उसको बुक कर लीजिए, चाहे 5,000 हो, 10,000 हो रहा हो, माइनस भी गया हो 10,000 तब भी चलेगा, क्योंकि ये जब ऑक्शन में भेजेंगे तो वहाँ पे इतनी बड़ी लॉस होगी कि आप उसको सहन नहीं कर सकते। फिर इनका 16 तारीख को एक मेल आया ऑक्शन का, मैं वो भी दिखा देता हूँ किस रेट पर इन्होंने एग्जीक्यूट किया उसको, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए जीरोधा से आया हुआ है कॉन्टैक्ट नोट ऑफ NSE इक्विटी। ये आया है मुझे 16 तारीख को। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कितने रुपए पे इन्होंने इसको ऑक्शन में बेचा है, देख सकते हैं आप। सबसे पहले देख लीजिए कि ऑर्डर टाइम तो इन्होंने लिखा नहीं है, ये देखिए, पहले आप देख लीजिए क्वांटिटी बॉट फॉर यू यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने शॉर्ट किया था तो जिसने बाई किया था उसको शेयर लौटानी थी, तो मेरे पास था नहीं, मैं लौटा नहीं सकता था, मेरे पास नहीं था फिर भी मैंने बेच दिया था, तो मुझे ख़रीद के वापस करना था जो मैंने कंप्लीट नहीं किया। तो उन्होंने ऑक्शन में मेरे लिए शेयर ख़रीदा, मेरे बिहाफ पर ख़रीदा, उन्होंने लिखा हुआ है कि ये आप देख सकते हैं क्वांटिटी बॉट फॉर यू,
हमारे लिए क्वांटिटी खरीदा गया है 1350 क्वांटिटी जो मैंने शॉर्ट किया था। अब रेट देखिए, ग्रॉस रेट पर यूनिट उन्होंने 155.78 रुपये पर उन्होंने ख़रीदा है मेरे लिए, जबकि मुझे लॉस कितने की हो रही थी, लगभग 5000 रुपये की लॉस हो रही थी। और आप जोड़ सकते हैं मैंने 131 पे इसको शॉर्ट किया था और उन्होंने मेरे लिए कितने रुपए पे बाई किया, 156 लगभग। देखिए कितनी बड़ी लॉस है, आप इसे कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि कितनी बड़ी लॉस है। इसलिए कभी भी आप, उसके बाद क्या होता है कि जब आपने शॉर्ट कर दिया, मैं आपको दिखाता हूँ कि अगले दिन वो कुछ भी आपके अकाउंट में दिखाई नहीं देगा। आप जिस दिन शॉर्ट करेंगे उसके अगले दिन आप सोच रहे होंगे कि मैं उसमें से एग्जीक्यूटिव कर जाऊंगा, वो मेरे पोर्टफोलियो में दिखाई देगा, लेकिन वो आपके पोर्टफोलियो से ही गायब हो जाएगा, क्योंकि वो शेयर वो तो था ही नहीं आपके पास, आपने उसको शॉर्ट कर दिया था, तो वो दिखाई भी नहीं देगा। आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। शॉर्ट डिलीवरी अगर हो गई तो उसके बाद जो भी एक्शन लेगा वो सब NSE लेती है। इसलिए आपको जितनी भी लॉस हो रही हो इंट्राडे शॉर्ट में, आप बुक कर लीजिए, क्योंकि ऑक्शन में जाएंगे तो वो कितना रुपए पे बेचेगा उसमें आपका कोई भी मतलब हस्तक्षेप नहीं रहेगा। वो सब जो भी करेंगे वो NSE वाले करते हैं, उनका रूल है। मैंने अब जाके पढ़ा, जब ये घटना हुआ तब मैंने पढ़ा, उनका रूल है कि जो भी ऑक्शन से एक दिन पहले जो भी रेट होगा उसका 20% अप लेकर चलो। तो आप देख रहे हैं कि मैं 5000 लॉस हो रहा था, मैंने उसको बुक नहीं किया, और आज मैं आपको लॉस कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ कितने का लॉस हो रहा है। मैंने ख़रीदा था, उन्होंने बेचा है 156 पर और मैंने ख़रीदा था 131 पर। देखिए 25 रुपये का लॉस हो रहा है, 25 रुपये का लॉस हो रहा है। उसको कैलकुलेट किया जाए तो लगभग 34,000 का लॉस हो रहा है, जबकि मुझे कितने का हो रहा था, 5,000 का, 5,000 का लॉस हो रहा था और मैं निकला नहीं। मुझे तो प्रॉफिट ही हो रहा था लेकिन लास्ट में 5,000 का लॉस हो रहा था। मैं वेट करता रहा कि अब लो होगा, लो होगा, और हुआ नहीं। इसीलिए दोस्तों आप वेट मत करना, जितने भी कब उसमें अपर सर्किट लग जाए आपको नहीं मालूम होगा, तो उन्हीं शेयर में आप शॉर्ट करें जिसमें कभी अपर सर्किट ना लगता हो। बस मेरा ये वीडियो बनाने का यही था कि आप लॉस बुक कर लो लेकिन ये अब शॉर्ट डिलीवरी कभी मत लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।